मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली, जहां पर भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे भाइयों, जैप ने हमारा फर्स्ट वीक वाला जो गिव अवे था उसके दो विनर्स चूज करके उनको गिफ्ट भिजवा दिया है। अगर आप लोगों को सेकंड वीक का पार्ट बनना है तो करना क्या है, जाना है इंस्टाग्राम में, आपने लिखना है मुसाफिर 7811, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहां पर मैंने एक फोटो डाली हुई है अपने न्यू एक्वा ब्लूटूथ स्पीकर के साथ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ टर्म्स बताए हुए जो आपने फॉलो करने हैं, और अगर आप लोग वो चीजें फॉलो करते हो तो आप भी उसके एक पार्टिसिपेंट बन जाओगे। पार्टिसिपेट करो और आप में से दो विनर इस हफ्ते भी विनर बनेंगे। और सोच के देखो भाई, दो बन चुके हैं, दो इस हफ्ते बनेंगे, दो अगले हफ्ते बनेंगे। सो गेट रेडी और पहले इस वीडियो को देख लो, लेकिन भाई पार्टिसिपेट जरूर करना है क्योंकि जैप ने बढ़िया वाला आप लोगों के लिए अवेल करने का ऑप्शन निकाला है। जल्दी जाओ, करो करो। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोगों ने इससे पहले पुरानी वाली स्विफ्ट को मॉडिफाई होते हुए देख लिया, उसमें जितना काम हम लोग करवा सकते थे मैंने आप लोगों को करा के दिखा दिया है। लेकिन एक जो मोस्ट अवेटेड वीडियो थी और मेरे चैनल में काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि बलिनो और स्विफ्ट के बारे में वीडियो जरूर बनाना, तो हमारे पास एक स्विफ्ट आ चुकी है और मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट लवर बंदे की है जो ऑलरेडी स्विफ्ट चलाता हुआ आता है, तो उसने इसको अपने अकॉर्डिंग तैयार कराया, क्या क्या चीजें चेंज हुई है। और इसी के साथ में म्यूजिक आउटपुट में, जहाँ पर आप लोग इन्फिनिटी को अच्छा मानते थे, वहाँ पर टक्कर देने के लिए एक और कंपोनेंट आ चुके हैं। सो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। गेट रेडी, पॉपकॉर्न उठा लो, पेप्सी उठा लो, जो भी उठाना है तैयार लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पूरी गाड़ी रेडी होते हुए। इसी के साथ में जो रैपिंग कराई है ना सर में, अपने ऊपर वाली जो रैपिंग होती है वो एक नंबर की है, डिफरेंट है, और कितने लोग उसको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं नीचे कॉमेंट करके बताना, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं और सीधे इस वीडियो को स्टार्ट कर। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सो गाइस, प्रेजेंटिंग यू ऑल 2018 की मारुति स्विफ्ट, और काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई इसमें क्या क्या चीजें चेंज करी गई है उसके बारे में जरूर बताना, तो भाई एक एक करके आपको हर चीज पता चलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के DRL से, तो इग्निशन के साथ DRL कराए एक बार भाई, ऑन करके दिखा दो। तो गाइस देख लो, DRLs कुछ ऐसे दिखते हैं। इंडिकेटर अगर आप लोग जला रहे हो, राइट का इंडिकेटर अगर आप देते हो, तो चेक दिस आउट। एक चीज आपको बताता हूँ, काफी सारे लोग कहते हैं क्या ये रिलायबल है कि नहीं रिलायबल है। भाई मार्केट में बहुत सारे रेटों में ये बिकने वाला है, और आप लोगों को बताता हूँ बेवकूफ बनाने वाली जो चीज है वो आपको मार्केट में होती हुई दिखेगी। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखोगे तो ओके रिपोर्ट क्वालिटी है, दिखने में सही है, चलने में अच्छी है। बाकी जो भाई यूज करेंगे कैसा यूसेज रहता है आपको 2 या 3 महीने के अंदर ये चीज बताने वाला हूँ। इसके बाद हेडलाइट के बारे में काफी सारे लोग कह रहे थे कि क्या हमें प्रोजेक्टर लगाना चाहिए। भाई प्रोजेक्टर लगाने में खुलेंगी ये पूरी सील, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आपके पास नई गाड़ी है, आपको लगाना है तो LED लगा लो, अपने लगाने अगर नॉर्मल वाले हेलोजन बल्ब लगा लो, और अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है HID का। लेकिन HID भाई लाइट फैलती है, LED भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हेलोजन लगाओगे तो ठंड के टाइम पे ओके रिपोर्ट रहेगा। भाई ने लगाया LED, एक बार LED ऑन करके दिखा दो भाई। तो भाई काफ़ी सारे लोग जो शौकीन रहते हैं, स्पेशली जो लोग स्विफ्ट चलाते हैं, उनकी एक चीज़ हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि भाई हमें फ्रंट ग्रिल जो है वो डिफरेंट चाहिए। भाई एक चीज़ बताता हूँ, ग्रिल की क्वालिटी, अगर ग्रिल की क्वालिटी के बारे में बात करोगे, ओके क्वालिटी है, ऐसा नहीं बोलूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन स्टिल जिस तरीके की मार्केट में कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिस तरीके की क्वालिटी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है। अब अगर बात करते हो कि भाई ये स्पोर्टी लुक गाड़ी को देता है कि नहीं देता, तो स्पोर्टी लुक देने के लिए हमने करवाया क्या है, ये देखो और वो देखो, और उसके बाद इस तरफ देखोगे तो ये पूरा जस्टिफिकेशन लगेगा। काफी सारे मार्केट में इसके कॉपी आने वाले हैं, आपको पहले बताता हूँ, जो चीज सबसे पहले आती है उसके बाद इसके कॉपी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और यूजली आपको क्रॉल बाग में वो देखने को मिलेगा। सो जो पहला आप लोग लुक कह सकते हैं वो ये है, और आपने रिक्वेस्ट की थी इसलिए इस गाड़ी को आप सबके सामने दिखाने का बहुत ज्यादा यूज था। वहीं पर अगर नीचे की तरफ आप लोग DRL देखते हो, ठीक है, तो क्वालिटी देख लो DRL की अभी क्या है। अगेन जैसे जैसे टाइम चलता रहेगा, इसका अच्छा रिस्पांस मार्केट में आएगा, इसके भी कॉपी निकल के आएंगे। सो भाई स्टे ट्यून्ड, कैसा रिस्पांस रहता है उसके बारे में जरूर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अलॉयज के बारे में बात करेंगे, जितने लोग स्विफ्ट को ड्राइव करते वो रहते हैं भाई स्विफ्ट के शौकीन, और अलॉय की जहाँ तक बात है मैं आपको मेन भाई से मिलवाऊंगा कि क्यों इतने इंचिस के अलॉय लगवाए, क्या इसका रीज़न था और उनको क्यों इतना ज़्यादा ये पसंद आया। तो उससे पहले चलते हैं अपने साइड मिरर की तरफ। तो साइड मिरर में अगेन मैंने आप लोगों को जैसा बताया, डोंट गो फॉर एनी टाइप ऑफ टेपिंग, या इसके ऊपर स्प्रे पेंट मत कराना, करवाना है पेंट करवाओ जो परफेक्ट पेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कोबरा पेंट, और ऊपर आपकी टेपिंग कराई हुई है। सो एक नया डिज़ाइन जो है वो भाई ने प्रेजेंट किया है, देख लो एक बारी, वाइट और रेड का, और ये जो है ग्लॉसी रेड है, और ग्लॉसी रेड जो है वो काफ़ी उभर के आ रहा है, दिखने में काफ़ी अच्छा है, इसको और ओवरलुक दिया है। अगर आप लोग अपना डोर देखोगे ना,
सो ये देखो डोर के कट में भी इसको लगाया गया है, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत अच्छा है। यहाँ देखो, ठीक है, ये ऑप्शन दो मिलते हैं, मैट कराना चाहो मैट करा लो, ऊपर आप लोगों ने ग्लॉसी कराया तो साइड में आपके मैट ही अच्छे लगेंगे। कोई कुछ भी कहे, अपने आइडिया से बनवाना, क्योंकि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। लाइव जो है वो ज़्यादा ग्लॉसी की रहती है कंपेयर करते अगर मैट से। सो गाड़ी के अंदर की चीज़ें आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। सो पीछे की तरफ से अगर आप लोग देखते हो और एक ओवरलुक गाड़ी का मांगते हो, तो भाई ओवरलुक चेक कर लो, ओके रिपोर्ट है। और आप लोगों को कैसा लुक लग रहा है ये ज़रूर बताना। और ये टेपिंग फुल कोई वाइट इधर नहीं की गई है, यहाँ पर केवल यदुवंशी भैया ने लिखवाया, जो कि आप लोग देख सकते हो, और बाद में मौका मिला तो आप लोगों को मैं उनसे मिलवाता भी हूँ। टेपिंग केवल आधी हुई है, ठीक है। और अगर इधर के लुक के बारे में बात करते हो, तो भाई इसको रखा गया है फुल वाइट। तो ज़रूर कमेंट करके बताओ कैसा आपको लुक लगा, क्या ये इफ़ेक्टिव है, क्या आपके काम का है कि नहीं है। और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर दिया। तो हमारे नाम के सेम भाई यहाँ पर हमारे साथ है, राहुल भाई कैसे हो भाई, वीडियो देखने मज़ा आ रहा है? तो भाई भाई से ही बात करते हैं एलॉय के बारे में। तो भाई एलॉय का क्या कहना है, जो आपने 15 इंची के एलॉय लगाए हैं, क्या रिस्पॉन्स है? अभी तो कम ही टाइम हुआ है, लेकिन स्टिल कैसा लग रहा है, क्यों करवाया और क्या किसी ने कहा था ऐसा करवाने को? नहीं, किसी ने नहीं कहा, बस थोड़ा सा गाड़ी में लुक आए। गाड़ी में लुक आए, तो कितने रुपए के एलॉय आपको इसमें पूरे पे करना पड़ा एलॉय के लिए? 24,000 रुपये। ये चाइनीज टायर है, इंडियन टायर है? ठीक है, साउथ अफ्रीका वाला टायर है गाइस, ये चाइनीज ही होता है, आप लोगों को बताया था। ये कहने के लिए बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका का इधर का है, लेकिन स्टिल ये चाइनीज ही रहता है। बाकी अगर एलॉय के लुक के बारे में आप देखोगे, कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट देखते हो या गाड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट देखते हो, तो भाई कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी ये जो वॉसेन लिखा हुआ है, वॉसेन को देख के ये ना हो जाए कि भाई ये तो ओरिजिनल वॉसेन है। ओरिजिनल वॉसेन जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 1,25,000 रुपये से, उससे सस्ते इंडिया में नहीं बिकते हैं। ये केवल एक तरीके की कैप है, लेकिन एलॉय की लाइफ रहती है। ये इंडोनेशियन जो आपके एलॉयज होते हैं, ये वो एलॉय है। स्टिल अगर आप लोग लगवाना चाहे लगवा सकते हैं, चाइनीज़ एलॉय के लिए मत जाना, चाइनीज़ एलॉय की लाइफ नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को बढ़िया चीज़ चाहिए इंडोनेशियन में, तो ये आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। अगेन मैं इसमें प्रेज़ नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, बढ़िया एलॉय जो लगते हैं वो है अपने नियो व्हील्स के, अगर जाना है। लेकिन स्टिल प्रिफरेंस वाइज आप लोग जाना चाहे तो आप इसके लिए जा सकते हैं। तो भाई रात का ये मोड है, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें एक आइडिया दे देता हूँ। सो चारों के चारों डोरों में कराई गई है डैम्पिंग। और डैम्पिंग कराने का क्या फ़ायदा रहता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहली वीडियोस में बताया कि डैम्पिंग कराने से जितनी भी वाइब्रेशन, जितनी भी आवाज़, जो आप खड़खड़ की आवाज़ सुनते हो वो कम हो जाती है। इसका लॉस क्या रहता है कि कभी कभी जो इसका सिलिकॉन होता है वो ग्लू नीचे निकल जाता है, यूजली गर्मियों के टाइम पे होता है, ठंड के टाइम पे नहीं होता है। और जो आप लगा हुआ देख रहे हो ये भी क्वालिटी ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो पंक ऑडियो की है। अगर आपका बजट कम है तो भाई ये जा सकते हो, लेकिन स्टिल ओवरव्यू वाइज आप लोगों को बता दिया है। भाई एक बार स्पीकर चेक कर लो, या फिर जो आप कह सकते हो कंपोनेंट चेक कर लो, तो कंपोनेंट सेट आपका दिखने में कुछ ऐसा लगता है। इसका डिब्बा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इसी के साथ में ट्विटर देखना है तो ट्विटर देख लो एक बारी, ओके रिपोर्ट ट्विटर है। और जो हमारे अभी काम कर रहे हैं यहाँ पर, गुलाब जी है, गुलाब जी सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, गुलाब जी आपको देख के तो बोल दो कुछ, बोल दो किसी को, सब बढ़िया हो ऐसे बोल दो। सब बढ़िया है, बढ़िया है ना, चलो बढ़िया बढ़िया बात है ये। तो एक बारी एम्प की तरफ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। तो कौन सा एम्प लगा रहे हैं हम इसमें? जेबी है, JBL ही लगा रहे हैं। कोई रीजन है गुलाब जी, या फिर जानबूझ के हम JBL कर ही रहे इसमें? ये ब्रांड के ऊपर गए हैं, ब्रांड के ऊपर गए, ब्रांड पर। तो भाई चेक कर लो। तो भाई एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो हम लोग एम्प लगाने वाले हैं वो एम्प रहने वाला है JBL का। एक बार गुलाब जी बता दो कि ये अपना 4 चैनल है या मोनो वाला है? 4 चैनल है। तो इसका कुछ फायदा है, ये पायनियर से अच्छा है, क्या रिस्पॉन्स है इसका, एक बार समझा दो। रिस्पॉन्स ये है कि ब्रांडेड है, कस्टमर की नीड है, कस्टमर की नीड है ये। तो भाई देख लो, आप लोगों को एक आइडिया दे दिया। बाकी वायरिंग यहाँ पर सेट हो रही है। बाकी मैं आप लोगों को दोनों के बॉक्स दिखाता हूँ, बॉक्स कैसे दिखने में है भाई, क्योंकि रात के मोड में जितना मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ अभी भी पॉइंट कर लो भाई, अगर डैम्पिंग कराते हो तो कराओ पंक ऑडियो की। इसमें सिलिकॉन नीचे आता है, गर्मियों के सीज़न में आएगा, ठंड के सीज़न में दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब गत्ते को आप लगाओगे तो यहाँ से सिलिकॉन नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि यूजली अगर आप लोग लो ब्रांड्स ले जाओगे तो उसमें ये दिक्कत आती है। तो भाई एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, मेरे से इतने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई क्या JBL इंडिया में असली आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा इसमें कि भाई JBL जो है बीच में इंडिया में नकली आना स्टार्ट हो गया था, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। एक क्वालिटी यही है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मार्केट में इसी के अंदर नकली चीज़ भी रख के बेची जा रही है। अगर कोई भी बंदा JBL से या कहीं से भी देख रहा है तो भाई मेरे को बता देना, रिक्वेस्ट करके या कुछ भी करके बता देना कि क्या ये बात सच्ची है झूठी है। लेकिन जो अभी का ट्रुथ है, जो अभी की सच्चाई है, जो अभी का सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, वो है GT, देख रहे हो ना ये वाला जो अपना, हाँ हाँ। ये बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि क्या ये असली है या क्या नकली है, तो भाई ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, असली है। और जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, अगर आप लोग इन्फिनिटी वाले देखोगे, कितने के थे भाई, अगर जो भी नीचे देख रहा है एक बार बता देना, 70W RMS था उसका, इसका 90W RMS है। अभी भी कह रहा हूँ, कुछ भी अपने आप से खुद से वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, इसको टेस्ट करूँगा,
डिफरेंस लगेगा तभी आप लोगों को बताऊंगा, और जैसा रिस्पांस रहता है वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो भाई आगे की लाइटिंग में तो मज़ा आ ही रहा है, बाकी थोड़ा सा आप लोगों को लाइटिंग में दिखा दूंगा कैसी है। लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो तो भाई ये DRL है और फॉग लाइट के साथ ओके रिपोर्ट काम कर रहे हैं। नॉर्मल वाले फॉग लाइट डाली हुई है, देख लो आपको दिख रहा होगा, अंदर जो है अपनी LED लगाई हुई है। सो इसका जो रिस्पांस है देखो कितना ब्राइट अप है। आई नो कि हाईवे में थोड़ा जाके ये आप लोगों को दिक्कत देता है, लेकिन स्टिल प्रेफरेंस वाइज आप लोगों का है। ठंड में मैं कहता हूँ कि हेलोजन लाइट्स ही लगवाना। इसके बाद पीछे की साइड में लेके चल रहा हूँ, तो सिस्टम का काम अभी चल रहा है उसको हम चलने देते हैं वहीं पर। अगर आप लोग पीछे की तरफ में आते हो, मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन कराई जा सकती है। भाई लाइटिंग में मैंने अभी तक कोई मॉडिफिकेशन देखी नहीं है, लेकिन स्टिल अगर मेरे पास कोई भी आउटपुट आता है कि हाँ ये लाइटें भी चेंज हो सकती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग ये ओके रिपोर्ट है। यहीं पर एक चीज़ और एड ऑन कर देता हूँ, मेरे से एक बंदे ने पूछा था कि क्या हम इन लाइटों को खुलवा के इसके अंदर कुछ सेटिंग या चेंज करवा सकते हैं। भाई आप 200% करा सकते हो, लेकिन सील खुलने के बाद पानी जाने के 120% चांसेस होते हैं। लेकिन करोलबाग में कुछ ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बढ़िया तरीके से काम करते हैं, इसमें मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल आपको मैं केवल एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो अलर्ट रहो, अपने आप समझो और हर चीज़ आप लोग रिलेट कर सकते हो। भाई बात आती है इंटीरियर के बारे में, तो आप लोगों को इंटीरियर के लिए एक आइडिया मैं बाद में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ भाई। अपने जो सीट कवर्स है, दीज आर बकेट फिट वाले जो सीट कवर्स है वो है ये, और भाई मेरे को काफ़ी कम्फी लग रहे हैं। बाकी तो भैया चलाएंगे, भैया आप लोगों को और आइडिया दे देंगे। यहाँ पर आप लोगों का जो स्पीकर और आपका कंपोनेंट का जितना सेट लग रहा है उसके यहाँ पर ट्विटर की चीज़ें पड़ी हुई है, यहाँ आप देख लो। सो ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो कुछ ऐसी होगी और काफ़ी ज़बरदस्त लगेगी ये लगने के बाद। बाकी जो अंदर के इंटीरियर के बारे में, भाई चाहो तो पिलर्स ब्लैक करा सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है, इंटीरियर कराना चाहो करा सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ब्लैक इंटीरियर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। सो भाई आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया दिखाने के लिए देखो अपना पूरा स्टेयरिंग हैंडमेड वाला बनाया हुआ है, थोड़ा लाइटिंग का यूज़ कर रहा हूँ। और ज़रूर बताना भाई कमेंट करके कैसी लग रही है गाड़ी, मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी, गाड़ी का काम काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ हुआ है। और सीट कवर फिर से देख लो एक बारी, तो पूरी स्टिचिंग देख लो, परफेक्ट स्टिचिंग है भाई। और बाकी आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स हो मेरे को ज़रूर बताना। एंड इसमें एक चीज़ और एड ऑन कर देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, कराना चाहो बकेट फिट तभी करवाना, क्योंकि भाई सीटें कटती है तो थोड़ा सा दुख हो सकता है अगर नई गाड़ी है, लेकिन स्टिल आप लोगों के ऊपर ये सब कुछ है। भाई अगर आप लोग सिस्टम की तरफ देखते हैं तो भैया ने कोई भी एंड्रॉयड वाला सिस्टम नहीं लगाया, और भैया जो है शौकीन है, वो कह रहे थे कि यार उसके बाद आउटपुट कम हो जाता है, तो उन्होंने कंपनी वाला ही रखा है। बाद में कह रहे अगर करवाऊंगा अभी तो पाइनियर ही लगवाऊंगा, और ये एक अच्छा थॉट भी है कि लगवाओ तो अच्छी चीज़ लगवाओ, बेकार चीज़ मत लगवाओ, जो कि मैं भी मानता हूँ। स्टिल अगर आप में से भी कोई ऐसा मानता है तो नीचे कमेंट कर देना। इसी के साथ में मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त ये सिस्टम लगता है, क्योंकि भाई इसमें आउटपुट बढ़िया आता है। बाकी यहाँ पर अपने गुलाब जी काम कर रहे हैं, एम की कितनी देर में तैयारी हो जाएगी पूरी गुलाब जी? 5 मिनट में आवाज़ सुनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो भाई रेडी हो जाओ क्योंकि बहुत ज़बरदस्त आवाज़ सुनने वाले हैं। सो गाइज नेक्स्ट चीज़ जो है आप लोगों को आवाज़ सुना रहा हूँ, जो नया वाला हम लोगों ने इसमें आपने JBL वाले कंपोनेंट लगे हुए देखे, उसका रिस्पॉन्स सुनाता हूँ। एक चीज़ बताता हूँ, मैं केवल वोकल्स के ऊपर अभी ज़्यादा चीज़ करूँगा भाई, ज़रूर चाहूँगा अंदर बैठ जाओ और आवाज़ बढ़ा दो गाड़ी की 17-18 तक। तो भाई एक चीज़ बताया तो आपको, जो आप लोग इसके अंदर ये पेटी वाला वूफर देख रहे हो भाई, ये पहले लगा था स्कॉर्पियो में, भाई ने उसी से उतार के इसमें लगा दिया है। इसकी प्लेसमेंट मैंने अभी ऊपर की तरफ की है, यूजली इसकी प्लेसमेंट इस तरफ रहती है, इसका मुंह इस तरफ, और देख रहे हो देखो मेरा हाथ देख रहे हो भाई, ओके रिपोर्ट है। अगर आपको पीछे कम स्पेसिंग मिलती है और अच्छी चीज़ लगानी है तो ये ऑप्शन है, एक बार देख लो। ये पेटी खुद बनाई हुई है, ये पेटी नहीं आती है इनक्लोजर बन के, ये अलग से लगाया गया है, ये पेटी पूरी तैयार होती है, ठीक है, बन जाती है करवाना चाहो, लेकिन ये पूरा सेट नहीं आता है। सो भाई आप लोगों ने वोकल सुन लिया है, अब बारी आती है कि बेस कैसा आता है। भाई एक बार आवाज़ कर दो, 17-18-19 आराम से, 20 कर दो, पीछे लेके चल रहा हूँ आपको।
नीचे देखो भाई, तहलका मच रहा है, तहलका। तो भाई एक एसेसरी आप लोगों को दिखाया था, लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई साइड मिरर में कैप लगाना चाहो, अगर आपको ब्लैक पेंट नहीं कराना है ये ऑप्शन मिलता है। ओके, रिपोर्ट बिल्कुल लगने के बाद दिखता है। लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ, भाई ने जो कराया था डिफरेंस, वो लाल करवा रखा है, इसको सफ़ेदी छोड़ा था। तो एक ऑप्शन ये रहता है और ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है अगर आप लोग सोच रहे हो लगवाने का। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रहने वाली है भाई, वो भी दिखा दो। जो जो ज़रूरी चीज़ है वो सब हम खुलवा के आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ भाई, कंपनी से अगर ये चीज़ लगवा रहे हो 3 या 4 गुना प्राइस में आपको मिलेगी और क्वालिटी बिल्कुल सेम होती है। कहते हैं हम 1 साल की गारंटी वारंटी देते हैं, कुछ नहीं मिलता, सब बेवकूफ़ बनाने का खेल है। तो पीछे की तरफ दिखाता हूँ, देखो एक बार, देखो ये एक, गाइस ये एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इससे आपकी गाड़ी की सेफ्टी तो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फॉर अ लुक आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार सुभाष भाई हटना, देखो लुक देखो, पूरी फिनिश जो है वो इतनी बढ़िया है। और इसी के साथ में भाई, अगर गाड़ी में करवा रहे हो खर्चा, हल्का फुल्का अगर खर्चा करा रहे हो तो भाई ये भी लगवा लेना, बढ़िया चीज़ ये आपकी गाड़ी के लिए रहेगा। तो भाई नेक्स्ट चीज़ जो रहने वाली है वो है आपकी हेडलाइट की जो ये लाइनिंग आती है। तो सुभाष भाई एक चीज़ बताओ, इसकी क्या लाइफ है? सालों साल चलता है, सालों साल चलता है ये। और एक बार इधर इस तरफ देख लो, पीछे कुछ लोग पूछेंगे। सो भाई 3M वाली टेपिंग है, अगर ये टेपिंग पसंद ना आए तो 3M की टेपिंग खरीदो खुद और ये लगवा भी सकते हो, बाकी सुभाष भाई आपको लगा के दे देंगे। और इसकी फिटिंग देखो, देखो कभी भी कोई चीज़ चेक कर रहे हो कॉर्नर से चेक करो, इधर का कॉर्नर और इधर का कॉर्नर और एक यहाँ पर जो कर्व आ रहा है, तो ये परफेक्ट है। जब भी करवा रहे हो देख के करवाना, काफ़ी बढ़िया लगता है। और भाई अगेन एक चीज़ जो अभी तक की बिल्कुल एक प्लस पॉइंट और बढ़िया चीज़ है वो है आपकी फ्रंट ग्रिल, काफ़ी ज़बरदस्त लगी। कई सारे लोग बोलेंगे कि ये दबा क्यों हुआ है, तो भाई ये दबा नहीं है, ये लुक है अंदर की तरफ में, देख रहे हो जो स्लीक लुक अंदर की तरफ दिया हुआ है, तो ये वही लुक है। तो भाई मोस्ट अवेटेड थिंग, और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें तो ये लगवाना ही लगवाना है, काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो भाई ये है अपना स्पॉइलर ही बोलते हैं इसको, रियर स्पॉइलर। तो भाई एक बारी लुक देख लो, और ये किस चीज़ का बना होता है, ये ABS का होता है, क्या होता है? ABS होता है, एक बार दिखा दो उठा के दिखाओ इसको एक बारी। तो भाई एक बारी क्वालिटी चेक कर लो, और लग काफ़ी बढ़िया रहा है। भैया कैसा लगा, बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मस्त यार, बड़ा बढ़िया लगा। और सबसे बढ़िया चीज़ 3M की टेप लगी है, देख लो लिखा हुआ और पूरा ABS है, पढ़ लो भाई पढ़ लो सब चीज़ें। एक बार लगा के दिखाओ लुक, देखो एक नंबर का लुक है और गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है दिखने में। तो भाई भाई ने जो ट्विटर की प्लेसमेंट की, एक बार चेक कर लो गाइस, इसमें दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, या तो पीछे से छेद करवा के इसका केवल इतना मुंह बाहर निकालो, लेकिन रीज़न क्या होता है, इसके पीछे इतनी जगह नहीं है कि हम इसको छेद करवा के डालें, तो अंदर से पेच डलते हैं और ये भारी फिट होता है। स्नग फिट है, अभी भी बता रहा हूँ, देख लो मूवमेंट नहीं है। इसी के साथ में भैया अभी थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर रहे हैं लाइटिंग में, तो इधर का भी चेक कर लो एक बारी कि कैसी प्लेसमेंट की गई है, देख लो। तो यहाँ के बारे में जो है मैं आप लोगों को आइडिया देता हूँ, एक ऑप्शन है इधर लगा लो, नहीं तो एक है अपने गत्ते में छेद करा लो। अगर मैं होता तो मैं गत्ते में छेद कराता, लेकिन भैया की नई गाड़ी है तो हम बोल नहीं सकते, तो भैया ने उधर लगवाया। लेकिन स्टिल प्रेफरेंस वाइज आप लोग सोच सकते हो। वैसे मेरे को बहुत ओके रिपोर्ट लगा, और आप लोग कमेंट करके बता देना कि प्लेसमेंट ओके है कि नहीं है। तो भाई वो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताया, तो जिन भाई की गाड़ी थी, हमारे भाई यहाँ पर सिगरेट पी रहे, सिगरेट तो रख दो, पकड़ लो सिगरेट, रख दो 2 मिनट के लिए, पकड़ लो एक दिन थोड़ी सी। आ जाओ भाई, आओ ना, आओ भाई पीछे, आओ ना यार, मॉर्निंग डॉक्टर दिख रहे पीछे भाई, इधर रहना, ठीक है अब, ठीक है सब है। तो भाई वो जिन भाई की गाड़ी थी, पहले मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। तो हमारे स्टार जो है आज के भाई, एक बार नाम बता दो अपना, संजू, संजू भाई है। और हमारे जो दूसरे भाई है जिनसे आप मिले थे, क्या नाम है भाई एक बार बता दो, राहुल भाई है। और तीसरे हमारे भाई है मोनू भाई। तो भाई तीनों के तीनों भाई थे। भाई सबसे पहले एक चीज़ बताओ, आइडिया कहाँ से आया कि रूफ में ब्लैक और व्हाइट वाला लुक रखना है? वैसे ही आ गया था खुद से ही, खुद से आ गया। तो भाई यही है, और अब जहाँ पर ये गाड़ी लेके जाएंगे ना, वहाँ पर सभी कॉपी कर देंगे, बिल्कुल हो जाएगा ना। और आने वाले टाइम में भाई जो है अपग्रेड कराने वाले, सिस्टम भी अपग्रेड कराएंगे, इंटीरियर भी कराएंगे, बहुत कुछ कराएंगे। तो भाई बहुत अच्छा लगा मिलके, ठीक है, कभी मौका मिला जिंदगी में तो आगे भी एक वीडियो भाई के साथ बना लेंगे। तो भाइयों को फिर भाई कर देते, विदा कर देते, ठीक है, भाइयों को बहुत टाइम ले लिया हमने, ठीक है, तो करते हैं यहीं पर भाई को विदा। तो गाइस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है, और आप लोग कह भी रहे थे कि भाई डिंपल भाई से क्यों नहीं मिलवा रहे हो, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में आप लोगों ने मनु भाई को देखा था, तो मेरे को उसमें भी ये रिस्पॉन्स आया था कि भाई डिंपल भाई को दिखाओ, डिंपल भाई से कुछ और बातें भी देखना चाहते हैं। तो डिंपल भाई एक चीज बताओ, जितना काम आज हमने करवाया, अगर यही काम हम कंपनी से करवाते हैं, एक एग्जांपल में क्रोम लेते हैं, तो भाई कितना क्वालिटी का फर्क आता है? क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। देखो कहेंगे 1 साल की वारंटी है और 4 गुना पैसे ले लेंगे, बात सारी सेम है। मारुति हो, ह्युंडई हो, कोई सा ब्रांड हो, XYZ कोई सा ब्रांड हो, तो भाई एसेसरीज पार्ट में
हमेशा हर कोई पैसे कमाता है। और एक चीज अंदर की बात बताता हूँ, अंदर की बिल्कुल, कई सारी कंपनीज ऐसी है जो अपनी खुद की एसेसरीज नहीं बनाती है और क्रॉल बाग से सामान उठाती है कि नहीं बात? बिल्कुल सही बात। तो भाई यही सच्चाई है। और जो आप देखते हो ना सीट कवर लगाते हैं, अपने जो कवर डलते हैं गाड़ियों में, ये भी सारे के सारे क्रॉल बाग से जाते हैं। सच्चाई बात यही है। इसी के साथ में जहाँ से आप लोगों ने काम करवाना है या आप लोगों को एक आइडिया भी चाहिए और अपनी गाड़ी को बिल्कुल ट्यून अप कराना है, तो भैया कहाँ पर आना है बता दो। आप लोग बालाजी कार एसेसरीज और कार स्टूडियो पे आ सकते हैं। फोटो दिखा दी हमने फोटो, यहाँ पे आपको सुभाष, मन्नू और मैं मिल जाऊँ। और सुभाष भाई के बारे में मैंने आपको बताया था, जो चीज कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी वो सुभाष भाई आपको अवेलेबल करा देंगे। बाकी डिंपल भाई है, अगर आपको असिस्टेंस भी चाहिए, काम नहीं कराना चाहते हो, आइडिया लेना चाहते हो, तो भाई बिल्कुल लो। इसी के साथ में कॉलिंग अगर भैया को आप करते हो तो भैया टाइमिंग बताओ पहले कि किस टाइमिंग में कॉलिंग सबसे बेस्ट है? 11:30 से रात को 8:30 तक। रात को 8:30 तक, उसके बाद भी कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना भैया को। और एक चीज और, एक रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है कुरियर सर्विस के बारे में, जो भैया ने बताया था ना, कुरियर सर्विस बहुत पावरफुल जा रही है, इसका रिस्पांस काफी अच्छा है, जो मैं आपको देना चाहूंगा उसका बहुत बढ़िया। और आज की गाड़ी से हमने एक नई चीज सीख ली है और एक नई चीज आ गई, बता दो एक बार, समझा दो सब लोगों को। JBL की कैटलॉग लॉन्च कर चुके हैं JBL वाले, ठीक है, ओरिजिनल कैटलॉग्स आ गई हैं। कैटलॉग्स आ गए, सारी मॉडल आप ऐप स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पे भी JBL का सारा आप कैटलॉग देख सकते हैं, जिसमें आपको मॉडल्स वगैरह सब नए आ चुके हैं। और एक चीज, और एक चीज मैं इसमें एड ऑन करता हूँ, इसमें आपने जैसे आप इन्फिनिटी के कॉम्पोनेंट्स देख रहे थे वो 70 RMS के आ रहे थे, और इसमें GTO सीरीज आ चुकी है जो 90 RMS है, इसमें GX सीरीज भी आ चुकी है। तो भाई एक चीज बताता हूँ, पहले JBL बीच में मार्केट में नकली बिक रहा था, खराब बिक रहा था, पुराना बिक रहा था, अब इसको हार्मन खुद कर रहा है, तो ये चीज आप लोगों को देख लो। बाकी ट्रस्टेड जगह से लगवाना है तो भाई ऑफकोर्स ही बात है डिंपल भाई आप लोगों के साथ ही है। एक चीज, विद वारंटी कार्ड, विद 1 ईयर वारंटी, सब कुछ मिलेगा। तो भाई ये चीज के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर काम करते हैं और आई होप कि आगे भी ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। तो गाइज अगर आज के वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इसका एंड जो है मैंने अपने फोन से शूट किया है, आज मेरा कैमरा बिल्कुल डेड हो चुका है, तो वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाना। डिंपल भैया का नंबर चाहिए अगर आपको वीडियो के बीच में देखते हुए आ रहे होंगे, नंबर मिल गया होगा, नहीं तो गूगल में लिख लेना बालाजी कार एसेसरीज, आपको आइडिया मिल जाएगा। गाइज एक चीज जो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी गाड़ी बनवाने आ रहे हो एक आइडिया लेके आओ, अगर आइडिया नहीं है तो पूछ लो, कुछ भी गलत काम कहीं पर कराने से पहले हमेशा सोच लेना। वायर कटिंग कहीं नहीं करानी भाई, क्योंकि वायर कटिंग जितना हो सके इग्नोर करो, नई गाड़ी हो पुरानी गाड़ी हो, लेकिन समझ आ चुके हो। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो भी करना अगर कंटेंट आपके मतलब का है। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि मुसाफिर 7811। फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर आकाश जोशी। तो डिपल भाई एंड कर रहे हैं वीडियो, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। ये अपना स्टाइल है, ठीक।